नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। लोकसभा चुनाव को लेकर एक और जहां राजनीतिक तैयारियां जोर शोर पर चल रही हैं, तो दूसरी तरफ चुनावी रणनीतियों पर लगातार मंथन भी जारी है। और इसी कड़ी में बुलंदशहर में बीजेपी की संगठनात्मक बैठक का आयोजन हुआ है, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इसमें शामिल हुए हैं। और बैठक के दौरान जिले के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष समेत लोकसभा संचालन समिति मोर्चा के अध्यक्ष भी मौजूद रहे और चुनावी रणनीतियों को लेकर विशेष चर्चा भी हुई है। भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी लोकसभा का चुनाव माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमने 10 वर्ष तक काम किए हैं, उसका पूरा लेखा जोखा लेकर, रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में हमारी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य सभी पैरामीटर पर काम किया। आपने देखा होगा आज उत्तर प्रदेश में लगभग सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज हों, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम से अलीगढ़ में नया विश्वविद्यालय बनवाया। हमारी सरकार ने पिछली बार आजमगढ़, सहारनपुर में नए विश्वविद्यालय बनवाए। इस वित्तीय वर्ष में मिर्जापुर, मुरादाबाद और देवीपाटन मंडल में नए विश्वविद्यालय बनाने का काम किया। तो हमारी सरकार बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए संकल्पित है और उसके लिए हमने नए नए संस्थान खोलने का काम हमारी सरकार कर रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल कमर कस चुके हैं और मैदान में हैं। दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना भी साधा है। डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि आज विपक्ष की हालत ऐसी हो गई है कि खोजने से भी उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। और इतना ही नहीं, बार बार प्रत्याशी बदलने की नौबत आ रही है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि जनता का विश्वास बीजेपी पर बढ़ा है और बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीत भी हासिल करेगी। नामिनेशन के बाद आज द्वितीय चरण का भी नामिनेशन का अंतिम दिन पूरा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी इन दोनों चरणों के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सभी 8 प्रथम चरण की और द्वितीय चरण की 8 सीटों पर प्रचंड बहुमत से जीत रही है। लगभग सभी सीटों पर मुझे जाने का अवसर मिला है। हमने देखा इन चुनाव में विपक्ष को प्रत्याशी ढूंढने नहीं मिल रहे हैं, जो प्रत्याशी आ रहे हैं वो स्वयं रिफ्यूज कर रहे हैं, या विपक्ष खासकर जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है प्रदेश में, वो पूरी तरह से दिग्भ्रमित है, अपने प्रत्याशियों को लगातार बदल रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में दुनिया की सबसे बड़ी और लोकप्रिय पार्टी होने के बाद गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन का भरोसा जीत चुकी है और लगातार भारतीय जनता पार्टी घर घर में पैठ बनाते हुए प्रचंड विजय की ओर आगे बढ़ रही है। हेमा मालिनी को लेकर रणदीप सुरजेवाला के विवादित बयान पर अब इस पर राजनीति जोरों शोरों पर है और एक के बाद एक तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। वहीं अब बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन सुरजेवाला के बयान पर जमकर भड़ास निकालते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि आखिर सुरजेवाला कलाकारों के बारे में जानते ही क्या है और कांग्रेस तो हमेशा से महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करती आई है। सुरजेवाला जी ने बहुत गंदी बात कही। सुरजेवाला जी उनके जो बहुत वरिष्ठ नेता है, उन्होंने जो बात की उसका उनके गारंटी कार्ड से आता तो गारंटी पहले इस बात का दें कांग्रेस कि महिलाओं की का सम्मान कब करें। सुरजेवाला जी ने कल हेमा मालिनी जी पर कहा जो टिप्पणी बहुत ऊंची थी, क्योंकि कलाकार बिरादरी से हमारी सीनियर है, उनके बारे में जैसे शब्द इस्तेमाल किया उस शब्द से मैं ये कहना चाहूंगा कि सुरजेवाला जी आपको कलाकारों के बारे में पता क्या है? एम पी रामा राव भी कलाकार थे, एम जी रामाचंद्रन भी कलाकार थे, जयललिता जी भी कलाकार थे, सुनील दत्त साहब भी कलाकार थे, विनोद खन्ना साहब भी कलाकार है, स्मृति ईरानी जी इतना शालीन काम कर कलाकार, हेमा जी इतने बार में चौथी बार की सांसद रही। मैं राहुल गांधी जी बहुत बड़े नेता हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, वही सपने उनके। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी लगातार अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है, लेकिन अभी तक अमेठी सीट पर कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। इस बीच रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से चुनाव लड़ने का दावा ठोक दिया है। प्रियंका गांधी के पति यानी कि उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि अमेठी की जनता चाहती है कि मैं अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करूं, अमेठी से ही शुरुआत करूं। उन्होंने यह भी कहा कि जनता मौजूदा सांसद से बेहद परेशान भी है।
परिवार ने अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, जगदीशपुर और सारे एरिया में मेहनत से काम किया। लोगों के लिए वहाँ बहुत ही प्रगति हुई। और मैं फिर से कहूँगा कि जब अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की कि स्मृति जी को जताया और राहुल को वहाँ से जो भी है कि कोई और कंस्टिट्यूएंसी ढूंढनी पड़ी या जो भी है, पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ। और वहीं रॉबर्ट वाड्रा के इस बयान पर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा है। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने तंज कसते हुए कहा, जमीनी पकड़ रखने वाले नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं और जमीनों से नाता रखने वाले अब मैदान में उतरने की बात कर रहे हैं। जमीनी पकड़ रखने वाले कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता एक एक करके कांग्रेस पार्टी से अपना हाथ छुड़ा रहे हैं। ऐसे में अब एक बहुत जमीन पर व्यापक प्रभाव रखने वाले नेता रॉबर्ट वाड्रा ने अब इच्छा जताई है कि वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि जमीनों से उनका विशेष जुड़ाव है। तो अभी जमीनी नेता के आने से कांग्रेस पार्टी की जमीन कितनी मजबूत होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हम स्वागत करेंगे, क्योंकि ऐसे भ्रष्टाचारियों को पराजित करने में एक अलग प्रकार का सुख अनुभव होता है। ऐसे भ्रष्टाचारियों के लिए अब लोकतंत्र में कहीं कोई स्थान नहीं होगा और ये मुंह की खाएंगे। उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट एक हॉट सीट मानी जा रही है, जिसे कांग्रेस का गढ़ भी कहा जाता है, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने कौन चुनाव लड़ेगा यह अब तक साफ नहीं किया है। यह रिपोर्ट आप देखिए। कांग्रेस का गढ़ है रायबरेली। 24 साल से चल रहा गांधी परिवार का जादू जारी रहेगी। परिवार की विरासत, मां की सीट पर ताल ठोकेंगी बेटी प्रियंका गांधी। देश में 18वें लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बज चुकी है। यूपी में 7 चरणों में चुनाव होने जा रहा है। पहले चरण के लिए 8 सीटों पर बीजेपी, सपा, कांग्रेस और बसपा समेत तमाम दल के प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा भर दिया है और मिशन 24 के प्रचार में भी जुट गए हैं। साथ ही अन्य चरणों की सीटों पर कुछ पार्टियों ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं तो कुछ बाकी हैं। उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट हॉट सीट है, जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, लेकिन अभी तक कांग्रेस से कौन चुनाव लड़ेगा ये साफ नहीं हो पाया। सूत्रों के मुताबिक मां की सीट पर प्रियंका गांधी ताल ठोक सकती हैं। ये फैसला पार्टी की बैठक में तय किया गया है। सूत्रों के अनुसार प्रियंका गांधी के नाम की आधिकारिक घोषणा 15 अप्रैल के बाद की जा सकती है। प्रियंका गांधी की अगर बात की जाए तो शुरू से ही यूपी की राजनीति में सक्रिय रही हैं। पहले उनका दायरा अमेठी और रायबरेली तक सीमित हुआ करता था। 2019 में जब कांग्रेस महासचिव बनाई गईं तो उनको पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। बाद में वो पूरे यूपी की प्रभारी बनी। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी प्रियंका गांधी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था, बल्कि कांग्रेस नेतृत्व भी उनके मामलों में दखल नहीं दे रहा था। प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की खबरों के बीच कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस ने कहा है कि प्रियंका गांधी रायबरेली की महिलाओं की हिम्मत का प्रतीक हैं। रायबरेली सीट कांग्रेस की पारंपरिक सीट मानी जाती है। ये यूपी की इकलौती सीट है जहां 2019 में कांग्रेस को जीत मिली। तब सोनिया गांधी यहां से जीतकर लोकसभा पहुंची थी। 1971 के बाद अब तक सिर्फ 3 बार ही यहां पर कांग्रेस को हार मिली है। इंदिरा गांधी इस सीट से 2 बार तो वहीं सोनिया गांधी 4 बार सांसद चुनी गई हैं। रायबरेली लोकसभा सीट का इतिहास, 2019 में सोनिया गांधी जीती, 2014 में भी सोनिया गांधी जीती थी, 2009 और 2004 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस से सोनिया गांधी जीती, साल 1999 में कांग्रेस के सतीश शर्मा जीते। इस सीट पर कांग्रेस आज तक केवल 3 बार ही हारी है। पहली बार उसे 1977 में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। कांग्रेस को दूसरी बार 1996 और तीसरी बार 1998 के चुनावों में हार झेलनी पड़ी। केवल 3 बार हारी कांग्रेस। कांग्रेस को पहली बार 1977 में करारी मात देखनी पड़ी, जब
राज नारायण ने इंदिरा गांधी को हराया था। ये चुनाव इमरजेंसी के दौर के बाद हो रहे थे। देश की जनता में कांग्रेस के खिलाफ बड़ा आक्रोश था, जिसका नुकसान इंदिरा गांधी को हार के रूप में भुगतना पड़ा। दूसरी बार 1996 और तीसरी बार 1998 में चुनावों में हार हुई। बीजेपी के प्रत्याशी रहे अशोक सिंह ने दो चुनावों में कांग्रेस को पटखनी दी। तीन हार के अलावा कांग्रेस आज तक इस सीट पर अजय है। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने का प्रयास कर रही है, तो वहीं विपक्षी दल भी उलटफेर करने की रणनीति बनाने में जुटे हैं। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट पर क्या है सियासी समीकरण? एससी वर्ग वोटरों की संख्या 34%, ब्राह्मण वोटर्स की संख्या 11%, ठाकुर वोटों की संख्या 9%, यादव वोटरों की संख्या 7%, मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 6% और अन्य वर्गों के वोटर्स की संख्या करीब 23% है। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं और कांग्रेस ने इसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली है। कांग्रेस की उच्च स्तरीय संगठन बैठक में यह फैसला हुआ है, लेकिन ये तो अब 15 अप्रैल के बाद ही साफ हो पाएगा। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। रमजान के आखिरी जुमे की नमाज कल पढ़ी जाएगी, जिसके लिए मस्जिदों में खास भीड़ भी देखने को मिलेगी, जिसे लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं, जिससे कि कोई अप्रिय घटना ना हो। लखनऊ से हमारे संवाददाता तौकीर किदवई की एक खास रिपोर्ट आप देखिए। क्या आखिरी जुमा यानी कि अलविदा की नमाज को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि पश्चिम यूपी में खासकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जाएं। मेरठ, रामपुर, सहारनपुर, गाजियाबाद, संभल और ऐसे जो पश्चिम यूपी में खासकर जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कड़े करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही लखनऊ में बात की जाए तो कई ऐसी मस्जिदें हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने आते हैं, खासकर अलविदा की नमाज में संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लोग सड़कों तक आ जाते हैं। तो फिलहाल इसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था पर इसका असर ना पड़े, इसके लिए अफसर खुद सड़कों पर निकलें और पूरी मॉनिटरिंग करें। फिलहाल जो मस्जिदों की बात की जाए तो जो बड़ी मस्जिदें हैं वहाँ पर इंतजाम शुरू हो गए हैं, आज से ही तैयारियाँ शुरू हो गई हैं अलविदा की नमाज को लेकर। टीली वाली मस्जिद पर देखिए टेंट लगाया जा रहा है और स्पीकर्स लगाए गए हैं ताकि सब लोग एक साथ एक जगह पर नमाज पढ़ने में किसी को दिक्कत ना हो, इसलिए हर साल यहाँ पर बड़े आयोजन किए जाते हैं। अलविदा का जो इस बार अलविदा की नमाज है करीब 25 रोजे को पड़ेगी, यानी कि कुछ ही दिन बाकी रह जाएंगे ईद के लिए भी, उसके लिए भी खास दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि ईद की नमाज को लेकर भी किस तरह के सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करने हैं। फिलहाल जो तैयारियां हैं मस्जिदों में वो दिखने लगी हैं और कल जो अलविदा की नमाज होगी उसको लेकर चाहे वो इमामों के साथ बातचीत का दौर हो या फिर जो वो पुलिस के जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से इंतजाम में लग गए हैं। फिलहाल ये माना जा रहा है कि जल्द जो इसकी तस्वीर है वो बनने लगेगी और सुबह से ही जहाँ पर मस्जिदों के बाहर पानी और अन्य चीज़ों की व्यवस्था कर दी जाएगी और इसके अलावा जो टेंट की व्यवस्था क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि टेम्परेचर जो है वो 38 के पार हो चुका है। फिलहाल माना यह जा रहा है कि एक बड़ी संख्या में लोग कल घरों से निकलेंगे और अलविदा की नमाज अदा करेंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही।